मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। बहुत दिनों से लोग इसकी आस में थे और जो दो तीन दिन से बारिश लगी हुई है और आज तो मतलब इसने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है। और किसानों के लिए एक तरीके से उतना ही लाभप्रद है जितना आप कह सकते हो कि कई बार मौसम होता है ना, जैसे अक्टूबर में माँ दुर्गा का पूजा होता है या पूजा के समय में लोगों की बाढ़ आती है बिजनेस मैन की, उस तरीके से किसानों के लिए खासकर पूरे देश के लिए ये लाभप्रद है। जी, मेरा नाम तहरीन फातिमा है। बारिश जो हो रही है कितना ये अच्छी है लोगों के लिए, किसानों के लिए कितनी अच्छी है, क्या कहना चाहेंगे? जी, एज अ रेसिडेंस ऑफ वाराणसी मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बारिश में जिस तरह से सड़कें हमारी भर जाती हैं, वो सड़कों की वजह से आम इंसान तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किलात का सामना करता है, पर इन द ऑन द अदर हैंड किसानों के लिए ये बारिश बहुत ही ज़्यादा कामयाब होती है और किसान जो है इससे बहुत महसूस होते हैं, उनकी फसलें जो हैं अच्छी हो जाती हैं, तो ये उनके लिए एक अच्छी बारिश है। और एक ये भी बात थी कि गर्मी और उमस तो बहुत ज़्यादा थी, तो बारिश होने के बाद कुछ मौसम में तब्दीलियां भी आई हैं और खुशगवार हुआ है मौसम। और जैसा कि आज हम लोग अभी बेचू मैत्री में खड़े हैं और हम लोगों ने यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट कम्प्लीट किया है, तो आज आना हुआ हम लोगों का टैप के सिलसिले में और हम लोगों को साइन करना था इसलिए आना हुआ, तो बारिश हो गई अचानक से और उसके बाद जब हम लोगों ने अपना कैंपस देखा तो बाप रे बाप, मतलब हावा लुक कितनी खूबसूरत सीन है। तो और कितने घंटे से बारिश हो रही है यहाँ पे कैंपस? लगभग 2 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। अभी तो कुछ देर पहले बहुत तेज़ थी, अब धीमी हो गई है, पर फिर भी मतलब ये एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर रही है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, तो आप लुक ले सकते हैं। थैंक यू।